दोस्तों जब बच्चा 6 मंथ्स का हो जाता है तब हर माँ को ये क्वेश्चन रहता है कि मैं अपने बच्चे को क्या खिलाऊं, क्योंकि जब तक बच्चा 6 महीने का होता है तब तक खाली ब्रेस्ट फीडिंग पर होता है, लेकिन जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो उसे ऊपर का खाना खिलाने की शुरुआत करनी पड़ती है। इसे हम वीनिंग या कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग भी कहते हैं। वीनिंग फूड यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फूड। माँ के दूध से 6 महीने के बाद जो भी पोषण मिलता है वो इनफ नहीं होता, इसीलिए उनकी ग्रोथ बेटर हो उसके लिए हमें वीनिंग फूड यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फूड स्टार्ट करना बहुत ही आवश्यक है। तो इसमें सबसे मेन क्वेश्चन हमारे लिए रहता है कि बच्चे को क्या खिलाएं, सेकंड कैसे शुरुआत करें और थर्ड कितनी क्वांटिटी में खिलाएं। तो क्या ऐसा कोई डाइट चार्ट अवेलेबल है जिसे हम फॉलो कर सके, जो डे बाय डे बेसिस पर हमें क्या खिलाना है बच्चे को ये हमें बता सके? यस एब्सोल्युटली, डाइट चार्ट अवेलेबल है। वीक वन में day 1 to day 3 आप सबसे पहले राइस सूप को यानी कि चावल के सूप को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो और बाकी के टाइम में आप ब्रेस्ट मिल्क कंटिन्यू कर सकते हो। day 4 to day 5 आप राइस सूप के साथ मूंग दाल का सूप इंक्लूड कर सकते हो। day 6 to day 7 आप खिचड़ी के सूप के साथ दोपहर को लंच में फिर से आप मूंग दाल का सूप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। week 2 में सबसे पहले day 1 to day 3 में सुबह मैश किया हुआ स्टूड एप्पल और दोपहर को लंच में खिचड़ी सूप। day 4 to day 5 में सुबह मैश किया हुआ बनाना और दोपहर को लंच में दाल स्पिनेच का स्ट्रेन्ड सूप। day 6 to day 7 में सुबह ब्रेकफास्ट में मैश किया हुआ राइस का खीर और दोपहर को लंच में दाल और मैश स्वीट पटेटो। week 4 में हमें बेबीज को वीट यानी कि धान उनको उनके डाइट में इनकॉर्पोरेट करना है। week 4 में day 1 to day 3 में रागी की खीर ब्रेकफास्ट में और लंच में सॉफ्ट कोई भी वेजिटेबल जैसे कि लौकी। day 4 और day 5 में कोई भी एक कलरफुल पर्पल यैम या फिर वेजिटेबल उनको विद दाल या राइस के सूप बना के दे सकते हो और दोपहर को हमें उनको कोई भी एक कड़वी सी वेजिटेबल जैसे कि मेथी की भाजी हो गई वो, इससे आपके बेबीज की जो बिटर टेस्ट अडेप्टेशन होगी वो अच्छे से होगी। day 6 to day 7 में उनको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में मैश किया कोई भी एक खट्टा फ्रूट या फिर एक मीठा फ्रूट और दोपहर को लंच में आप उनको गेहूं यानी कि वीट का राब आपको उनको इनकॉर्पोरेट करवाना है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने बच्चे का डाइट 6 मंथ्स पर डे बाय डे और वीक बाय वीक फॉलो कर सकते हैं ताकि आपके बच्चे को सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स मिले और उसका प्रॉपर वेट गेन हो।